नमस्कार साथियों, मैं विजय चौहान इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी को मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट को अपने कंप्यूटर में किस तरीके से इंस्टॉल या एक्टिवेट करते हैं, इस सभी की कंप्लीट नॉलेज देने जा रहा हूं। तो आपके कंप्यूटर में अगर विंडोज़ 7 का सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें मंगल फॉन्ट एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर बने हुए कंट्रोल पैनल के आइकन को डबल क्लिक करके खोलना होगा। और इसमें आप जैसे ही खोलेंगे, अच्छा एक बात और, कभी कभी ऐसा होता है कि डेस्कटॉप पे कंट्रोल पैनल का आइकन नहीं है, तो आप स्टार्ट में जाके यहाँ सर्च में कंट्रोल पैनल टाइप करके भी कंट्रोल पैनल ऑप्शन खोल सकते हो। जैसे मैंने टाइप किया कंट्रोल पैनल और ये लिख कर जैसे एंटर किया, तो हमारे सामने कंट्रोल पैनल खुलकर आ चुका है। अभी साथियों, मैं मंगल फॉन्ट एक्टिवेट करने से पहले आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि मंगल फॉन्ट का आइकन यहाँ पर आता है, इस जगह नीचे टास्क बार में, तो अभी यहाँ नहीं है। जैसे ही हम मंगल फॉन्ट एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर वो आइकन आने लगेगा। कुछ लोगों को मंगल फॉन्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि मंगल फॉन्ट क्या है, तो मैं बेसिकली बता दूँ, मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट हिंदी टाइपिंग का फॉन्ट होता है जो अधिकतर गवर्नमेंट जॉब में मांगा जाता है। और इसका बेनिफिट ये है कि मंगल फॉन्ट में टाइप की हुई फाइल को आप मोबाइल कंप्यूटर वगैरह में, नेट पे, ईमेल वगैरह में सभी जगह चेक कर सकते हैं, सभी जगह खोल के देख सकते हैं। और ये जो मंगल फॉन्ट होता है ना, इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये विंडोज़ के साथ ही आता है। यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 7, 8, 10, कोई भी विंडो हो, विंडो 11 भी हो, तो इनमें पहले से ही इनबिल्ट रहता है। बस हमें अंदर से कंट्रोल पैनल से इसको एक्टिवेट करना होता है, जैसा कि हम करने जा रहे हैं। तो अब बिना कुछ देरी करते हुए मैं आगे बताता हूँ। तो इसमें हम जैसे ही कंट्रोल पैनल ये खोल लेंगे, स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी, यहाँ पर रीजन एंड लैंग्वेज का ऑप्शन होगा। अच्छा, कभी कभी यहाँ जो लार्ज आइकन है, यहाँ से ऐसा हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में कैटेगरी आइकन हो रहे हों, तो यहाँ से आपको वो ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो इस कैटेगरी के ऑप्शन पर जाके आप लार्ज आइकन कर लेना, या लार्ज की जगह आप यहाँ से स्मॉल भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें करना क्या है, बेसिकली रीजन एंड लैंग्वेज का ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है ना। तो मैं लार्ज करके दिखा देता हूँ, क्लियर दिखाई देगा, ये रहा रीजन लैंग्वेज। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर देखिए कीबोर्ड एंड लैंग्वेज का टैब है, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद नीचे ऑप्शन है चेंज कीबोर्ड, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। साथियों, यहाँ कोई आपका कीबोर्ड बदलने नहीं जा रहा है, ऐसा मत सोचना कि इसे करने से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज काम नहीं करेगी, वो भी करेगी, और हिंदी मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट भी आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, दोनों चीज़ें काम करेंगी। तो अभी आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यानी इंग्लिश लैंग्वेज आपके कंप्यूटर में है, जो कि डिफ़ॉल्ट होती है, विंडो डालते समय ली जाती है। और लैंग्वेज लेने के लिए यहाँ ऐड का ऑप्शन है, इस ऐड पर जाके आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने पूरी वर्ल्ड लैंग्वेज यानी पूरे वर्ल्ड की भाषाएँ आ गई हैं। अब इनमें अरेबिक वगैरह दे रखी हैं बहुत सारी, तो आपको हिंदी पर जाना है, अल्फ़ाबेटिक लगी हुई हैं नीचे, आप हिंदी में आ जाएंगे। ये देखिए मैं हिंदी पे आया, तो यहाँ ध्यान से देखना, इसके आगे हिंदी के प्लस का आइकन है, एक सभी लैंग्वेजों के आगे प्लस का आइकन है, इस प्लस पे क्लिक करेंगे ऐसे, इस तरीके से, तो यहाँ ऑप्शन खुलेगा कीबोर्ड, इसके आगे भी प्लस का आइकन है, इस प्लस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हिंदी की लैंग्वेज आ गई है। इसमें आपको देवनागरी इनस्क्रिप्ट और हिंदी ट्रेडिशनल, इन दोनों पर राइट कट क्लिक लगाना है, ऐसे क्लिक करना है, ये एक्टिवेट हो गया, और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करते ही इंग्लिश के साथ में यहाँ देखिए हिंदी लैंग्वेज भी आ गई है आपकी, और बस यहाँ से आपको अप्लाई करना है और इसके बाद ओके करना है। और ओके जैसे ही आप यहाँ फाइनल करेंगे, तो आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में यहाँ पर टास्क बार में EN के नाम से ऑप्शन आने लगा है। EN मीन्स इंग्लिश फॉन्ट, अभी आपका जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश में चल रहा है, और इसी पर आप EN पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए एक EN के इंग्लिश के नीचे हिंदी के नाम से यानी HI हिंदी का ऑप्शन आ गया है। यहीं से हम मंगल फॉन्ट एक्टिवेट करके किसी भी सॉफ्टवेयर में चला सकते हैं। तो इसे मैं कंट्रोल पैनल को अब बंद कर रहा हूं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो मंगल फॉन्ट है वो एक्टिवेट हो चुका है, आ चुका है। अब इसको टाइप कैसे करते हैं मैं दिखाता हूं। इसके लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोल लीजिए, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर को खोल रहा हूँ, या नोट पैड, कोरल ड्रो, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में चला सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, अभी मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो जो कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है इंग्लिश का होता है, तो ये इंग्लिश में टाइप हो रहा है। अब मंगल कैसे लेंगे, इसे डिलीट करता हूँ मैं। देखिए वैसे मंगल आपका यहाँ पर होम में जो मेन्यू है, कैलिब्री फॉन्ट आ रहा है, इसमें भी होता है मंगल, यहाँ से खोलेंगे, देखिए ये रहा मंगल,
लेकिन ये मंगल इंग्लिश का होता है, आप देखिए टाइप करके मंगल इंग्लिश में ही चलेगा, आप कोई भी सा भी मंगल इनमें से लेके देखेंगे, ये रहा, तो यहाँ से मंगल चलता ही नहीं है हिंदी का। तो इसके लिए आप यहाँ से, अब नीचे जो मैंने एक्टिवेट किया है मंगल का फॉन्ट ई एन लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ से एच आई हिंदी ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा आने लगेगा यूनिकोड MS। अच्छा यहाँ अभी मेरे कंप्यूटर में एरियल आ रहा है, वैसे अधिकतर ये 99% मंगल ही लिखा आएगा यहाँ पर, मंगल यूनिकोड। तो यूनिकोड फॉन्ट, इनकी स्क्रिप्ट फॉन्ट या मंगल फॉन्ट, ये एक ही बात होती है। कुछ जगह इसे अपराजिता फॉन्ट भी कह देते हैं, मंगल, अपराजिता, यूनिकोड या इन स्क्रिप्ट फॉन्ट, ये एक ही फॉन्ट है। अब आप कीबोर्ड से देखिए टाइप करके, तो ये आपका हिंदी में फॉन्ट चल रहा है। मैं थोड़ा साइज बड़ा करके दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने साइज इंक्रीज किया, देखिए कोई भी की आप कीबोर्ड की दबाएंगे अब ये इंग्लिश की जगह हिंदी में चलेगा। ठीक है साथियों, मैं समझता हूँ आपको मंगल फॉन्ट एक्टिवेट करना समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह आपके क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद एंड जय भारत।